तो सीएम योगी ने एक बड़ा ऐलान भी किया है, गन्ना समर्थन मूल्य में वृद्धि का ऐलान कर दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने किसानों को एक बड़ा तोहफा दिया है, गन्ने का समर्थन मूल्य 325 से बढ़ाकर 350 रुपए कर दिया है, यानी कि 25 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। और जनतंत्र टीवी इस बढ़ोतरी की लगातार कयास लगा रहा था, आप तक ये खबर पहुंचा भी रहा था, और अब सीएम योगी ने 25 रुपए गन्ने के समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी कर दी है, यानी कि अब जो गन्ना 325 रुपए प्रति क्विंटल बिकता था, अब उसका किसानों को दाम 350 रुपए मिलेगा। तो 2022 विधानसभा चुनाव से पहले सीएम योगी ने यह बड़ा ऐलान किया है, गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ा दिया गया है, 350 रुपए अब गन्ने का समर्थन मूल्य होगा। पहले एक क्विंटल गन्ने की कीमत 325 रुपए थी, जिसे बढ़ाकर 350 रुपए कर दिया गया है। तो किसान सम्मेलन में किसानों के लिए बड़ी सौगात, सीएम योगी ने गन्ना समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी कर दी है। गन्ना समर्थन मूल्य पहले 325 रुपए था और अब इसे बढ़ाकर 350 रुपए कर दिया है। इसके अलावा सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था से लेकर पुरानी सरकारों में होने वाले घोटालों, चीनी मिलों की बिक्री और इसके अलावा कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि पिछले सरकारें दंगाई सरकार हुआ करती थी, उनके शासनकाल में दंगे हुआ करते थे, लेकिन जब से बीजेपी की सरकार बनी है, योगी सरकार बनी है, तब से उत्तर प्रदेश में दंगे बंद हो गए हैं। किसान खुशहाल हैं, उनके लिए तमाम तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं और अब इस पर मुहर उन्होंने इस तरह से लगाई है, 45 लाख किसानों को फायदा पहुंचाते हुए गन्ना समर्थन मूल्य में 25 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है, और जो गन्ना समर्थन मूल्य 325 रुपए उत्तर प्रदेश में था, उसे बढ़ाकर 350 रुपए कर दिया है। तो 2022 विधानसभा चुनाव से पहले सीएम योगी ने किसानों को साधने की कोशिश की है, और ऐसे वक्त पर जब कृषि कानूनों को लेकर उत्तर प्रदेश में लगातार विरोध चल रहा है, ऐसे समय में सीएम योगी ने 25 रुपए गन्ना समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है। और अवनीश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अवनीश, 2022 विधानसभा चुनाव से पहले जैसे कयास लगाए जा रहे थे, जैसे जनतंत्र टीवी इस खबर को लगातार दिखा भी रहा था, ठीक वैसा ही हुआ है, 25 रुपए गन्ना समर्थन मूल्य बढ़ा दिया गया है। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहला ही वादा किया था किसानों से कि वह गन्ना का जो समर्थन मूल्य है उसको बढ़ाएंगे, तो साफ तौर पे आज जब किसान सम्मेलन था तो वहां पे बड़ी संख्या में किसान पहुंचे हुए थे, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वहां किसानों से संवाद किया और एक बड़ा ऐलान किया है कि 300 रुपए जो है गन्ना मूल्य है उसको बढ़ा दिया गया है। और इसी के साथ प्रस्ताव मांगा था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, जिसे विभाग ने भेजा था, उस प्रस्ताव को पास कर लिया गया है। और अनुमान लगाया जा रहा था कि किसी बड़े मंच से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस प्रस्ताव का, इस घोषणा जो निर्णय लिया गया है उसका ऐलान करेंगे। उसी के तहत आज देखने को मिला है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी घोषणा की है, तो माना क्विंटल के गन्ना को बढ़ाकर 350 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। वही 315 रुपए जो गन्ना है वो उस अलग प्रजाति है, उसका 340 रुपया हो गया है रेट। तो साफ तौर पे किसानों के बीच में कई खुशी की लहर है। हालांकि एक तरीके से किसानों ने जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से संवाद किया था, जिसमें भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कामेश्वर सिंह भी मौजूद थे, वहां पे किसानों ने मुख्यमंत्री से डिमांड की थी कि 400 रुपए तक गन्ना मूल्य बढ़ा दिया जाए। हालांकि जो 25 रुपए बढ़ाया गया है, 25 रुपए बढ़ाने का प्रस्ताव ही विभाग की तरफ से दिया गया था और उत्तर प्रदेश सरकार ने उसे स्वीकार किया, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज उसी उसको लेकर बड़ी घोषणा भी कर दी। बिल्कुल, और इसका फायदा 2022 विधानसभा चुनाव में किस तरह से होता है वो देखने वाली बात होगी। अवनीश, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।